नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी हैं जिन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में और इसकी महिमा के बारे में। आपको बताएंगे कि कामदा एकादशी पर आप कौन से विशेष प्रयोग कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप और सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:04 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः काल 10:57 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में, सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में और मंगल तथा शनि विद्यमान हैं फिलहाल कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी का आखिर महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। ये केवल धार्मिक नियम नहीं हैं, ये वैज्ञानिक नियम भी हैं और इनका पालन करने से शरीर और मन संतुलित बना रहता है। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है और एकादशी महीने में 2 पड़ती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या उनके अवतार होते हैं जिनकी पूजा एकादशी तिथि पर की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपवास का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं और इस एकादशी का पालन करने से गंभीर रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश करने के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। जो एकादशी आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, आपकी कामना को पूर्ण करे,
वो एकादशी है कामदा एकादशी, और ये आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। तो अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मनोकामना पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कामदा एकादशी का पालन करना चाहिए। इस बार कामदा एकादशी का पर्व 19 अप्रैल को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में, और साथ ही साथ बताएंगे सफलता के एक विशेष मंत्र के बारे में, सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, रिश्तों में समस्या आ सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कर्ज की समस्याएं कम होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कामदा एकादशी पर किस प्रकार से पूजा उपासना की जाएगी। कामदा एकादशी पर प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ दें, इसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, मौसम के ऋतु के फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन जब आप उपवास रखेंगे तो केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट या फल ग्रहण करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बेवजह कूटू का आटा, शामक के चावल, ये सब खा के जो आप व्रत रखते हैं, ये साइकोलॉजिकल व्रत होता है। ऐसे व्रत का मन, शरीर और आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप व्रत के दिनों में आलू, मूंगफली, शामक के चक्कर में ज़्यादा खा जाते हैं नॉर्मल दिनों की तुलना में। इसीलिए अगर व्रत का लाभ उठाना है तो जल पीकर व्रत रखिए या फल खाकर व्रत रखिए, वो भी फल थोड़ा ही खाइए, तो व्रत का फायदा आपको और आपके शरीर को मिलेगा। अगर केवल एक वेला का उपवास रखते हैं, अगर केवल एक समय का उपवास रखते हैं,
तो दूसरे समय में वैष्णव भोजन ग्रहण करिए, यानी प्याज लहसुन का प्रयोग अपने भोजन में नहीं करेंगे। अगले दिन प्रातः काल एक समय का भोजन किसी को करवा दें या किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान कर दें, इसके बाद अगले दिन व्रत का समापन करेंगे। जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन अपने मन को ईश्वर में लगाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे और असत्य नहीं बोलेंगे। कामदा एकादशी पर कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पुनः आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे वास्तु टिप और सफलता के लिए बताएंगे सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, पारिवारिक विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा, काम की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति या वाहन का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कामदा एकादशी पर अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करें। अगर आपकी कोई संतान की कामना है तो क्या करेंगे, पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करें, इसके बाद एक साथ संतान गोपाल मंत्र का 11 माला जप करें, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का 11 माला जप करें, इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और इसके बाद फल को पति और पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। अगर आपको धन की कामना है, आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, भगवान कृष्ण को कामदा एकादशी पर पीले फूलों की माला अर्पित करें और इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करेंगे। इसके बाद आर्थिक लाभ की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग हर कामदा एकादशी पर करिए या हर साल में एक बार
किसी एकादशी पर अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको धन का अभाव नहीं होगा। अगर पाप का नाश करना चाहते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को चंदन की माला अर्पित करिएगा। इसके बाद क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और इसके बाद अर्पित की हुई चंदन की माला को अपने पास रख लीजिएगा और आगे से कोशिश करिएगा कि ऐसी गलतियां आपसे ना हों। पापों का प्रायश्चित होगा और पाप वृत्ति से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके नाम और आपके यश में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की दशा उत्तम रहेगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके घर के लिए महत्वपूर्ण उपाय वास्तु टिप में। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर काले रंग की नेम प्लेट मत लगाइएगा। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर काले रंग की नेम प्लेट लगाते हैं तो घर में रहने वालों का स्वास्थ्य खराब होगा। सफेद रंग की, नीले रंग की, सबसे अच्छा होगा सफेद रंग की नेम प्लेट मुख्य द्वार पर लगवाइए। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अप्रैल 2024 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।